आदियोगी शिव को जानने के लिए अगर आप उनकी जीवन प्रक्रिया को देखें तो पाएंगे कि वो हर उस चीज से गुजरे जिससे कोई इंसान गुजरता है। वो एक ही समय पर कई चीजों का मेल है। वो सबसे सुंदर है, वो सबसे बदसूरत भी है, वो एक महान सन्यासी है, वो एक गृहस्थ भी है, वो सबसे अनुशासित है, वो एक शराबी है, वो एक नर्तक है और वो पूर्ण रूप से स्थिर भी है। देवता उनकी पूजा करते हैं, दानव भी उनकी पूजा करते हैं, दुनिया में हर तरह के जीव उनकी पूजा करते हैं। हम शिव के बारे में जो भी कहते हैं, आपको समझना चाहिए कि उसका बिल्कुल उल्टा भी सच है। वो सबसे भयानक भैरव है, जो गुस्से और जबरदस्त हिंसक है। वो सबसे करुणामय भी है, वो सुंदर मूर्ति है, वो मोह लेने वाले जबरदस्त प्रेमी और एक करुणामय सुंदर और रोमांटिक देव हैं। वो तांडव मूर्ति भी हैं, जिनका नृत्य सृष्टि की प्रक्रिया का संहार कर देता है। साथ ही वो अचलेश्वर हैं, पूर्ण शांत, यानी वो बिल्कुल गतिशील नहीं है। शिवा इज अ योगी हु शुड नॉट बी नेम्ड। शिव एक योगी हैं, जिन्हें कोई नाम नहीं देना चाहिए। नाम देने का अर्थ सीमित करना और छोटा करना है। साथ ही उनके कई सारे नाम हैं और वो सभी नाम कुल मिलाकर पूरे ब्रह्मांड को उसकी सभी जटिलताओं के साथ अभिव्यक्त करते हैं। वो अस्तित्व के सभी अथाह रहस्यों की एक अभिव्यक्ति हैं। अगर आप इस व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं जो इस धरती पर पाए जाने वाले हर गुण की एक जटिल संरचना है, अगर आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं तो आप जीवन को ही पार कर चुके हैं। इसका पूरा मकसद आपके तार्किक दिमाग को नष्ट करना है, ताकि आप जीवन के एक बिल्कुल अलग आयाम के प्रति ग्रहणशील बनें।